स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू में। मैं हूँ एक होप, एक उम्मीद, एक आशा। हमारे धार्मिक शास्त्रों में बिल्ली के कई शुभ व अशुभ संकेत बताए गए हैं, लेकिन विदेशों में, खास तौर पर जापान और चीन में, बिल्ली को बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। फेंग शुई में भी बिल्ली को शुभ कहा गया है। और तो और, दक्षिण सभ्यता में बिल्ली को बुरी शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करने वाली बताया है। और कर्नाटक में बिल्ली का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर बिल्ली को माता का स्वरूप माना जाता है। अगर हिंदू शास्त्रों की माने तो बिल्लियों का आपस में झगड़ते दिखना धन हानि का संकेत देता है। वहीं दीपावली की रात घर में बिल्ली का आना शुभ माना गया है। यह घर में धन आगमन का संकेत देता है। बिल्ली का घर में बच्चे देना शुभ माना गया है। वहीं घर में बिल्ली का मल त्याग करना अशुभ बताया गया है। सपने में बिल्ली देखना भी शुभ नहीं बताया गया है, परंतु घर में बिल्ली का आना व अचानक दूध पीकर चले जाना शुभ संकेत होता है। अगर घर में बिल्ली दूध पीकर गई है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संकेत होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने वाली है, आपके घर में धन आने वाला है, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। साथ ही घर में सफ़ेद बिल्ली का आना भी हिंदू शास्त्रों में शुभ बताया गया है। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सफल बने। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।